नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी आज ठाणे और देवा में जोड़ने वाली रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का भाषण भी होगा। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीवी का नाम होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का किया गया अनुमोदन। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत पैसों का हुआ भुगतान। सीएम भूपेश बघेल ने जारी की ऑनलाइन राशि। लाभार्थियों के खाते में 10,14,00,000 की राशि ट्रांसफर। भोपाल में सीएम शिवराज का पौधरोपण अभियान जारी। पौधरोपण अभियान के कल एक साल होंगे पूरे। 19 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था अभियान। 400 से ज्यादा लगाए पौधे। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राज्य में नाइट कर्फ्यू हटाने पर जल्द होगा फैसला। कोरोना के आंकड़े आज 1,000 से कम आए सामने। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। रीवा दौरे पर जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। 19 फरवरी को घर घर चलो अभियान में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हुए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। आज से एमपी की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। कोरोना संदिग्ध छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट पर कहा, कमलनाथ ने उन्हें घर बैठाया। कांग्रेस के समय क्या थी अर्थव्यवस्था, पहले वो बताएं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती की बात कहते हैं। पाकिस्तान का एजेंडा भारत में ला रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना और कहा, भारत को महान भारत को बदनाम करने के वाले कमलनाथ जी के मुंह से राष्ट्रवाद की बात शोभा नहीं देती। कमलनाथ जी घर पर घर घर चलो अभियान नहीं, घर घर पर बैठाओ अभियान चला रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कमलनाथ जी की कल भोपाल में आयोजित हुई बैठक है। बैठक में न दिग्विजय सिंह थे, न अरुण यादव, न ही राहुल भैया थे। आज से शुरू हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बस्तर में नक्सलियों द्वारा एक वीडियो जारी किया गया। जारी वीडियो में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है हथियारबंद और ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली भी दिखाई पड़ रहे हैं। वायरल वीडियो में नक्सली ट्रैक्टरों के डीजल टैंक फोड़कर आग लगाते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में शासकीय कार्य में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने के मामले में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वाले शासकीय कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपना काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी बात नहीं मानने पर मार्केट पर उतारू हो गए। ताजा मामला बेरसिया के भोपाल के बेरसिया का है। बेरसिया में एक शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित जनपद का अभियंत्री है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जानकारी मांगी थी, जिस पर पंचायत के सरपंच का पति भड़क गया और अभियंत्री के साथ मारपीट कर दी। गुना के नानाखेड़ी थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी की संगीन वारदात सामने आई। चोरों ने जिस घर को निशाना बनाया वो पूरा परिवार मारपीट के आरोप में जेल में बंद है। बदमाशों ने आराम से घर का पूरा सामान खंगाला और 2.5 से 3 लाख रुपए के जेवर और नगदी लेकर चंपत हो गए। वारदात की जानकारी उस समय लगी जब परिवार का एक सदस्य घर पर पहुंचा। दमोह जिले में लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कायाकल्प का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि जिले के नाम पर इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अंडर 10 शामिल हो सके।
इसी क्रम में सर्वेक्षण और साफ सफाई को प्रमुखता से देखते हुए स्वच्छता प्रतिष्ठान सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। शहर के विभिन्न अस्पताल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय शामिल किए गए थे। उनके द्वारा टीम द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें अस्पताल में होने वाली साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए दमोह शहर की मिशन अस्पताल के लिए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस मौके पर मिशन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जयलाल ने जिलेवासियों और नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय नगर पालिका अधिकारियों और मिशन अस्पताल प्रबंधन सहित सफाई कर्मियों को दिया। आबकारी विभाग के लिए आज पहला दिन। राजधानी की सभी शराब दुकानों पर ताला। राजधानी में लगभग 5 करोड़ के राजस्व का होगा नुकसान। जौहर में स्कूल की लापरवाही आई सामने। कई बच्चों को नहीं मिला 10वीं का प्रवेश पत्र। स्कूल की लापरवाही के चलते परेशान हुए छात्र। प्रवेश पत्र न मिलने पर छात्र परेशान हुए। सीहोर के अकेडमी स्कूल का है पूरा मामला। सुजालपुर नेशनल हाईवे के तहत लगने वाले सुजालपुर के 3 किलोमीटर लंबे सिटी मंडी मार्ग के साथ ही प्रमुख चौराहों पर जनसहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रमुख मार्ग पर 5 स्थानों पर नगर पालिका द्वारा ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नगर पालिका में करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक में अधिकारियों के साथ कई निर्णय लिए गए हैं। वहीं जटाशंकर परिसर में शिवरात्रि पर 2 दिवसीय मेला भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पन्ना के मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक 7 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। शादी कार्यक्रम के फोटोग्राफर के साथ युवक ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं मासूम की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल के प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। मासूम के पटेवा थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बाइक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसके चलते बाइक पर सवार 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक महिला, 3 युवक शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और 4ों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसबीआई के उसके शाखा लोक सेवा केंद्र के संचालक दुर्गेश साहू के ऊपर पीड़ित ग्रामीणों ने धोखाधड़ी करके लाखों रुपए के साथ पेंशन राशि निकालकर फरार हो जाने का आरोप लगाया है। मामला लोरमी तुलसी घाट का है, जहां के पीड़ित लोगों ने जिला कलेक्टर अजीत वसंत से राशि दिलाए जाने की मांग करते हुए लिखित शिकायत के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। पीड़ितों ने बताया कि इसी तरह सैकड़ों हितग्राही रोज दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई न होने से निराश है। लोरमी तुलसी घाट का मामला है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। ग्वालियर में जीआरपी के सिपाही ने एक बार फिर से बचाई महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण महिला ट्रेन से नीचे आने से बची। जीआरपी आरक्षक शिवशंकर ने ठीक समय पर महिला को पकड़कर बाहर खींचा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शहडोल जिले में मकान में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अज्ञात स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न खेल प्रतिभाओं के लिए दिए गए एकलव्य अवार्ड में सुजालपुर के 2 19 वर्षीय युवकों को तीरंदाजी में एकलव्य अवार्ड देने की घोषणा की गई है। दोनों ने एक ही मैदान पर लकड़ी के धनुष से निशाना लगाना सीखा और कई स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। सुजालपुर की स्वप्ना सिटी कॉलोनी में रहने वाले चिरायुधानगर के पिता मार्केट फेडरेशन में मैनेजर हैं। उन्होंने कक्षा 5वीं में 9 वर्ष की उम्र से लकड़ी के धनुष से निशाने लगाने की शुरुआत की। मुरैना में विद्युत विभाग की टीम पर हमला, सहायक यंत्री की ग्रामीणों ने की लाठी डंडों से पिटाई। ट्रांसफार्मर उतारने पर ग्रामीणों ने की लाठी डंडों से पिटाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महासुंद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, जिससे बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई।
मृतकों में माँ और बेटा और दोस्तों के संबंधी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी माँ को शादी से वापस लेने आया था। चार लोगों की मौत हो गई। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित दो दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन हो गया। समापन पर ओडिसी एकल नृत्य एवं अनुचर नाइट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी को माघ पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सहेजने का काम किया। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जांजगीर चांपा निवासी 3 आरोपियों ने 1000 नग कोडीन युक्त सिरप को जब्त किया है। 1000 नग कोडीन युक्त सिरप जब्त की गई है। एसएसपी ने बताया कि इमलीपारा रोड पर 2 संदिग्ध लोगों ने बैग में कोडीन युक्त सिरप रखी थी, जिसके बाद ये बेचने की फिराक में घूम रहे थे। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपियों की घेराबंदी की और गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी झंडा लगाने के दौरान 11 केवी तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आज सुबह वो पंप का झंडा लगाने के लिए लोहे की सीढ़ी नुमा टेबल पर चढ़ा और झंडा लगाने लगा। उसके ठीक सिर से ऊपर के 11 केवी का तार गिरा हुआ था, जिसे वो देख नहीं पाया और हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से पूरा शरीर जल गया। नमो की नोटा पुलिस थाना क्षेत्र में व्यारमा नदी के पुल के मोड़ पर धान के भूसे से भरा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। दमोह जबलपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और भूसा उठाने का काम शुरू किया गया। भूसा उठाने का कार्य लगातार जारी है। भूसा उठाने के बाद भी जाम खुल पाएगा। जाम लगने से कुंडलपुर महोत्सव में फंसे जाने वाले कई लोग फंसे हुए। मंडला के कान्हा के गसली में हुई एक बाघ की मौत, करीब 3 साल का बताया जा रहा बाघ। 10 दिन पुराना बताया जा रहा है बाघ का शव। गश्ती के दौरान मिला बाघ का शव आपसी लड़ाई बताई जा रही है मौत का कारण। इंदौर क्राइम ब्रांच और सदर पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अवैध प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया है। अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। सीतारमण ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है। यूपी में आज होने का 3रे चरण का चुनाव प्रचार। 20 फरवरी को 59 सीटों पर होगा मतदान। पंजाब में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। 20 फरवरी को पंजाब के सभी 117 सीटों पर वोटिंग होगी। आज पंजाब चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया आज अमृतसर में बाइक रैली निकालेंगे। गोवा में कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 21 फरवरी से फिर से खुलेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश भर में फैलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कॉलेज प्रबंधन ने गमछा और भगवा बैन करने का निर्णय लिया है। पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू का 15 फरवरी को सड़क हादसे में निधन हो गया है। इस हादसे के समय दीप की गर्लफ्रेंड रीना रॉय भी उनके साथ थी। रीना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दीप के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा, मैं टूट गई हूँ, अंदर से मर चुकी हूँ, प्लीज तुम अपने सोलमेट के पास आज वापस आ जाओ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए हैं। 492 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के कुल 729 नए केस सामने आए हैं। वहीं 5 मरीजों की जान गई है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। इस बीच एशियाई बाजारों में गिरावट के रुख के चलते प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स करीब 400 अंक गिर गया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी भी दबाव में रहा। कारोबार की शुरुआत करीब 70 अंक की गिरावट के साथ हुई। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख की से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में रूस पर हमला करने की तैयारी में है। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा है कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बात होने की बात कही है। टेस्ला के मालिक ने एक ट्वीट में हंगामा खड़ा कर दिया। ये ट्वीट उन्होंने कनाडा के पीएम पर किया था, जिसमें एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो की तुलना हिटलर से कर दी थी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों में टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पहले टी20 में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया दूसरी टी20 जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहिए। वहीं अनुष्का शर्मा एक बार फिर से बॉलीवुड के पर्दों पर लौटने वाली हैं, जिसमें अब भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाएंगे। अनुष्का की यह फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जो झूलन गोस्वामी के किरदार के आसपास घूमते नजर आएगी। इस फिल्म के लिए अनुष्का जमकर वर्कआउट कर रही है। डायरेक्टर एक्टर फरहान अख्तर पिछले कुछ दिनों से सिंगर शिवानी दांडेकर से अपनी शादी को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं, लेकिन अब कपल कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले 29 फरवरी को महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधेंगे। बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आई आलिया ने फैंस को दिया मोबाइल चैलेंज। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने फिल्म बधाई दो को नहीं मिला अपेक्षित रिस्पॉन्स। फिल्म ने 6 महीनों में महज 11 करोड़ का किया लक्ष्य।